हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया, टर्किश TFX कन्वर्टर द्वारा कल फर्स्ट राइड कंडक्ट करी गई, जो कि 11 मिनट तक लास्ट करी और एक बड़ा माइलस्टोन इवेंट था। तो इस फर्स्ट राइड से जो हमें मेन इंडिकेशन मिल रहा है वो ये है कि इनका जो प्रोग्राम है ये टाइम पर चल रहा है, यानी कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स की सर्विस में 2030 से इंडक्ट होना चालू हो जाए और उसी टाइम पीरियड के अराउंड पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भी ये रिसीव किए जाए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि TFX कान पर काम जो है ये हमारे AMCA के बाद में चालू हुआ है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है ये पहले ही कंडक्ट हो गई है। इवन हमारे तेजस मार्क 2 से पहले ही इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को रोल आउट भी किया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करा ली, जबकि टर्की के पास पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने का। लेकिन टर्की द्वारा जो मैनेजमेंट स्किल और प्रोग्रेस दिखाई जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इससे हमारी आंखें भी खुलनी चाहिए कि हम कहां पर एफिशिएंसी लैक कर रहे हैं। AMCA की बात करें तो अभी तक फंड्स भी रिलीज नहीं किए गए हैं। इवन SPV मॉडल जिसको हम डिस्कस करते हैं उसके अंतर्गत कोई भी प्राइवेट कंपनी अभी तक आगे निकल कर नहीं आई है जो यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स 5th जनरेशन चाइनीज J-31 फाइटर्स को भी सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है, जिसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है। तो अगर हम J-31 की कैपेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर रफाल से भी कंपेयर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि रफाल हमारे सफिशेंट होंगे उन प्लेटफॉर्म को काउंटर करने के लिए। पर ये जो 5th जनरेशन कान है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए इसकी कैपेबिलिटी को लेकर चीज़ें ज़्यादा बाहर नहीं हैं, पर जिस हिसाब के इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं, जिन टेक्नोलॉजीज पर टर्की द्वारा काम किया जा रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि जो रफाल है वो सफिशेंट होगा इन प्लेटफॉर्म को काउंटर करने के लिए। हमें 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स चाहिए होंगे और जो कान की फर्स्ट फ्लाइट है ये हमारे लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। यूजुअली जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कोई चीज़ एक्वायर करी जाती है उसके बाद हम उसको बैलेंस आउट करने के लिए पैनिक बाइंग करते हैं। क्लियर रोड मैप हमारा नज़र नहीं आ रहा है इस केस में भी। AMCA की बात करें तो इसकी टाइमलाइन कई बार आगे बढ़ी है। MRFA का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। चाइना द्वारा इंडियन बॉर्डर के पास इनके 5th जनरेशन J-20 फाइटर डिप्लॉय किए गए हैं, उसके बाद भी इसके काउंटर में हमने रफाल के अलावा कोई और मॉडर्न प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट नहीं किया है। तेजस और तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये एक पॉइंट डिफेंस प्लेटफॉर्म है, उससे आप J-20 के अगेंस्ट में या फिर इवन मॉडर्न चाइनीज फ्लैंकर्स के अगेंस्ट में पिच नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एंड्योरेंस और कैपेबिलिटी दोनों ही मैच नहीं होगी। तो इंडिजिनस प्रोग्राम्स डेफिनेटली ज़रूरी है। AMCA का समय पर एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, तेजस मार्क 2 का समय पर एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, पर कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। तो अब हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा पहले 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट कर लिए जाएँ उसके बाद हम पैनिक बाइंग करें। इससे पहले ही हमें अपने 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्लियर रोड मैप तैयार करना चाहिए। AMCA उस पिक्चर में होना ही चाहिए, पर अभी उसको आने में कम से कम एक दशक का समय लगेगा और वो भी तब जब हम उसके फंड्स अभी रिलीज कर पाते हैं। तो इसके पैडल में भी हमें एक 5th जनरेशन प्रोग्राम पर एक्टिवली काम करना चाहिए। डेफिनेटली हमें समय पर चाहिए होगा, तो ये कोई इंडिजिनस प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, हमें ये बाहर से ही इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन कस्टमाइजेशन और लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन जो है ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा MRFA अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। यहाँ पर MRFA के अंतर्गत जितने भी हम नंबर्स लेना चाहते हैं 4.5 Gen प्लेटफॉर्म्स के, उनको कम करके एडिशनल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को हम अलग से ले सकते हैं, जो कि स्टॉप गैप की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो कम से कम जो कैपेबिलिटी लैग होगा उसको हम थोड़ा सा कवर अप करने में सक्षम होंगे। बाकी जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उनको तो स्पीड अप करना ही करना है, वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑल दो ये इंडिकेशन भी मिले हैं कि MRFA के अंतर्गत एयरफोर्स 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करेगी, पर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के मामले में जो एक्टिव ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड है और खाली रशिया की साइड से आपको मिलेंगे। अमेरिका की साइड से F-35 ऑफर किया जाता है या नहीं किया जाता है ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जब हाल ही में टर्की को F-35 के प्रोग्राम में शामिल करने की बात उठी थी तब ये कहा गया था कि जब तक S-400 का इशू टर्की के साथ सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक टर्की F-35 के प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकता। S-400 की बात करें तो ये हमारे द्वारा इस्तेमाल करी ही जाती हैं, तो अमेरिका का यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। और ऑब्जेक्शन भले ही ना हो, पर इंडिया को F-35 बेचकर
टर्की को यूएस द्वारा जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा पाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि कान की फर्स्ट फ्लाइट हमारे लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत AMCA के जो फंड्स हैं ये जल्द से जल्द रिलीज किए जाने चाहिए, प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, साथ ही साथ एडिशनली स्टॉप गैप मेजर के तौर पर हमें 5th generation प्लेटफॉर्म्स देखने चाहिए। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।